आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। डार्क फाइल्स में आज की कहानी हमारे साथ सिर की है हेमंत जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक डार्क फाइल्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें अनहोनी। चैनल के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। रोजाना की तरह ही उस रात भी काम पर से घर आया, मगर आज कुछ ज़्यादा ही देर हो गई थी। दरअसल पेशे से मैं एक मैकेनिक हूँ, और आज के आज ही मुझे एक गाड़ी को अर्जेंट रिपेयर करना था, जिस वजह से मुझे आज घर आने में थोड़ी देरी हो गई। हालांकि मैंने गाड़ी को रिपेयर करके उसके मालिक को हैंडओवर कर दिया था, मगर वो गाड़ी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, क्योंकि उस गाड़ी के सारे पार्ट्स लगभग खत्म होने के कागार पर हैं। अब बस मुझे यही फिक्र थी कि कहीं गाड़ी चलते चलते बीच रास्ते में खराब ना हो जाए। खैर, मैंने फटाफट हाथ मुंह धो लिया और खाना खाने बैठ गया। खाना पीना हो जाने के बाद मेरे बिस्तर पर गिरते ना गिरते थकान के चलते कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। फिर जब मेरी नींद टूटी तो मेरा फोन बज रहा था। तो पहले तो कुछ देर तक मैं सुस्ता कर वैसे ही पड़ा रहा, मगर जब फोन दूसरी बार बजा तब मैं उठा और भारी आंखों से नंबर की तरफ देखा, तो पता चला कि ये उसी आदमी का नंबर है जिसकी कार को मैंने आज बनाया था। कहीं ना कहीं मुझे अंदाजा हो गया था कि क्या हुआ होगा। मैं बस यही मना रहा था कि कहीं मेरा शक यकीन में ना बदला हो। फिर जब मैंने फोन उठाया तब सामने से उस आदमी ने कहा, हाँ हेमंत जी, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, जरा आप आकर देख लेंगे? वो क्या है कि मैं फैमिली के साथ हूँ ना, वरना मैं आपको बोलता भी नहीं। पहले तो मैं उसे टालने वाला था, मगर जब उसने रिक्वेस्ट किया तब मैं जाने को तैयार हो गया, जिसके बाद मैंने उस आदमी से उसका एग्जैक्ट लोकेशन पूछा और फिर आ रहा हूँ बोलकर फोन रख दिया। मैंने एक छोटे से बैग में काम में आने वाले थोड़े बहुत जुगाड़ ले लिए और फिर वाइफ को बोलकर बाइक की चाबी लेने के बाद बाइक स्टार्ट करके उस पति की तरफ रवाना हो गया। उस आदमी ने मुझे जिस जगह का एड्रेस दिया था वो यहाँ से तकरीबन 29 किलोमीटर दूर है, तो मुझे वहाँ पहुँचने में कुछ 30 से 40 मिनटों का वक्त लगेगा। रास्ता पूरी तरह से सन्नाटे की गिरफ्त में था, यहाँ तक कि मुझे दूर हाईवे पर गाड़ियाँ चलने की आवाज़ें भी साफ सुनाई पड़ रही थी। चूँकि अभी रात के 1:30 बज रहे थे तो ऐसे रात में खाली होना तो लाजमी ही था। रास्ते पर अकेली चल रही मेरी बाइक बड़े ही आराम से हवा से बातें कर रही थी, जिस वजह से सफ़र जल्दी जल्दी कट जा रहा था, मगर ये पल भर का ही आराम था। कुछ दूर आगे जाते ही खराब रास्तों से मेरा पाला पड़ने लगा। बड़े बड़े गड्ढों में मेरी बाइक बार बार फंस जा रही थी, जिस वजह से मुझे देर होने लगी। करीब 30 मिनट का सफ़र घंटा भर जैसा वक्त में पूरा करने के बाद मैं उस जगह पर पहुंचा जहां उस आदमी की कार बंद पड़ी थी। फिर मैंने कार का बर्नट खोला और चेक करने लगा कि आखिर माजरा क्या है। थोड़ी देर तक तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मगर फिर जब फॉल्ट मिला तो मैंने फटाफट गाड़ी को ठीक करके ऑन कर दिया। जाने से पहले उस आदमी ने मुझे कुछ पैसे दिए। पैसे लेने के साथ ही मैंने उस आदमी से पूछा, मैं जिस रास्ते से आया ना वो रास्ता बहुत ही ख़राब है, तो और कोई रास्ता है क्या? जिस पर उस आदमी ने कहा, रास्ता तो है मगर आप उससे मत जाइए, वो रास्ता रात के लिए ठीक नहीं है। जिस पर मैंने कुछ देर सोचने के बाद उस आदमी से कहा, अच्छा ऐसा है तो मैं नहीं जाऊंगा, पर आप ये तो बताइए कि आखिर वो रास्ता है कहाँ से। जिस पर उस आदमी ने मुझे रास्ता बता दिया। ठीक तरह से रास्ते का पता कर लेने के बाद मैं वापस अपनी बाइक पर आया और बाइक स्टार्ट करके घर की तरफ रवाना हो गया। मैंने सोच लिया था कि अगर जाऊंगा तो उसी आदमी के बताए रास्ते से, क्योंकि मुझे और लेट नहीं करना था। उस आदमी के बताए मुताबिक मुझे हाईवे पर थोड़ा आगे जाकर एक टर्निंग पॉइंट से लेफ्ट लेना होगा और फिर उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर राइट लेना होगा।
हाईवे पर कुछ दूर आगे जाते ही मुझे वो टर्निंग पॉइंट दिख गया जहां से मैंने बाइक को लेफ्ट मोड़ लिया। अब मेरे सामने एक सिंगल लेन का रास्ता था जो कि दोनों तरफ से बड़े घने पेड़ों से घिरा हुआ था, मगर अच्छी बात तो ये थी कि वो रोड काफ़ी सही था जिस वजह से मैंने बाइक को हवा से बातें कराना शुरू कर दिया। उस रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर मैंने अभी राइट टर्न लिया ही था कि अचानक ही मेरी बाइक पिकअप छोड़ने लगी। मैंने कस के बाइक का एक्सीलेटर घुमाया मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ दूर आगे जाते ही मेरी बाइक बंद पड़ गई। बाइक को इस तरह बंद होता देख मेरी धड़कने चढ़ गई। मैंने 4-5 बार किक मारकर बाइक स्टार्ट भी करना चाहा मगर मेरी बाइक ने शायद स्टार्ट ना होने की कसम खा ली थी। बाइक में पेट्रोल थोड़ा कम जरूर था मगर इतना तो था ही कि बाइक स्टार्ट हो पाए। मैंने बाइक से नीचे उतरकर 2-4 पुर्जों की भी जांच की मगर सब कुछ तो ठीक ही लग रहा था। हालांकि मैं बाइक का मैकेनिक नहीं था पर फिर भी मैं बाइक के बारे में थोड़ा बहुत तो जानता ही था। जब अच्छी तरह से बाइक की जांच पड़ताल करने के बाद भी मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने वहां से बाइक को ढकेलना शुरू कर दिया। मेरी तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था कि आखिर ये बाइक को हो क्या गया है। उस पूरे रास्ते पर खुद को अकेला पाकर कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी हिम्मत से टूट रही थी। बाइक को धक्का देकर मैं अभी वहां से कुछ दूर ही आया था कि मेरी नज़र मुझसे थोड़ी दूरी पर बने एक बस स्टॉप पर गई। फिर जब मैं अपनी बाइक को वहीं स्टैंड पर लगाकर बस स्टॉप के करीब पहुंचा तो पाया कि बस स्टॉप के ऊपर एक बोर्ड लगा है जिसमें उस बस स्टॉप पर आने वाली आखिरी बस का टाइम लिखा हुआ था। अगर उस बोर्ड की माने तो आखिरी बस के आने का वक्त था रात के 3:15 बजे का और अभी 3 बज रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना बाइक को यहीं छोड़कर बस से थोड़ा आगे चला जाए, हो सकता है आगे कोई मैकेनिक मिल जाए। थोड़ी देर सोचने के बाद जब मुझे ये फैसला ठीक लगा तब मैं बस स्टैंड पर खड़े होकर बस का इंतजार करने लगा। मुझे अभी वहाँ खड़े हुए कुछ 4-5 मिनट ही बीते होंगे कि एक आदमी अचानक ही उस बस स्टॉप पर आ खड़ा हुआ। उस आदमी को एकदम से वहाँ पाकर मैं चौंक सा गया। उस आदमी का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था। खैर मैंने उससे पूछते हुए कहा, भाई साहब वो आखिरी बस से चली गई क्या? जिस पर उस आदमी ने छोटा सा जवाब दिया, नहीं। इस पर मैंने उससे बात करने की कोशिश करते हुए कहा, आप भी उसी बस में जाएंगे क्या? जिस पर उस आदमी का कोई जवाब नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद कम बोलता होगा। कुछ 15 मिनट जैसा इंतजार करने के बाद मुझे मेरी दाईं तरफ से एक बस आती दिखी। बस को आता देख मैंने उस आदमी की तरफ पलटा और बोला, चलो भैया अब बस पकड़ने की तैयारी कर लो। मगर जैसे ही उस आदमी ने अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया कि मेरे तोते उड़ गए, मेरा खून एकदम से ठंडा पड़ गया। दरअसल उस आदमी का चेहरा बुरी तरह से कटा फटा था और तो उसकी दूध जैसी सफ़ेद आँखें जिनमें से काली पुतलियाँ गायब थी। मैंने उस आदमी से बचने के लिए रोड को उस पार करना चाहा मगर जैसे ही मैं रोड के बीचों बीच पहुँचा कि उसी वक्त वो बस मेरे सामने आ गई। मगर ये क्या, बस मेरे टक्कर होने के बजाय वो बस मेरे शरीर को आर पार कर गई और थोड़ा आगे जाते ही गायब हो गई। मैंने झट से अपनी निगाहें उस आदमी की तरफ घुमाए तो वो भी वहीं से गायब हो गया था। उस वक्त पर मेरे दिमाग ने सोचने की शक्ति खो दी थी। कुछ देर तक तो मैं ऐसे ही रोड के बीचों बीच खड़ा रहा मगर फिर जब होश आया तब मैं अपनी बाइक के पास गया तो बाइक एक बार में ही स्टार्ट हो गई। मैंने हवा की रफ्तार से बाइक भगाया और सीधे घर पहुंचा। कुछ दिनों बाद मुझे कहीं से पता चला कि करीब 1 साल पहले उस रूट की एक आखिरी बस के ड्राइवर ने बस स्टॉप पर बस का इंतजार कर रहे तमाम यात्रियों पर बस चढ़ा दी जिस वजह से उन सभी लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल उस बस के ड्राइवर ने शराब पी रखी थी। इस घटना से गुस्से में आकर वहां खड़े आसपास लोगों ने ड्राइवर समेत ही बस को आग लगा दी। तब से हर रात वो आखिरी बस 3:15 पर यहाँ से निकलती है और कभी कभी उन पैसेंजर्स की भटकती आत्माएं भी लोगों को दिख जाया करती हैं। तो दोस्तों
ये थी हेमंत जी की भेजी गई कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्दी ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।